जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस पे, और ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल भी आई थी, वो भी पूछ रही थी। और एक और हमें रिजवाना साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, दो दो तीन क्वेश्चन अभी रह गए हैं पेंडिंग, पहले हम उनके आंसर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, पहले बच्ची का मसला था ना, exactly. तो पेट में दर्द हो जाता है खाना खाने के बाद, मुँह में छाले वाले भी पड़ गए। अक्सर ये बच्चों को रिफ्लक्स प्रॉब्लम ही होती है, जिसको गेस्टो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। बच्चों में इतना क्लासिकल हार्ट बर्न्स नहीं होते जो कि बड़ों में होते हैं, तो बच्चों में ज़्यादा ये लोग आते हैं पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन के साथ, या फिर कुछ चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ, लेकिन हार्ट बर्न्स नहीं होते बच्चों। लेकिन जैसे ये बता रही हैं कि उसके बाद खाने के बाद या हैवी मील्स या ये जो मैदे वैदे की चीज़ें, बाजारी रोटी वगैरह खाने के बाद या इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जो इनको होती है पेन, तो ये शो करती है कि रिफ्लक्स प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों में जो रिफ्लक्स की वजह से छाले वाले मुंह में भी आ जाते हैं, तो वो भी उसी का हिस्सा लग रहा है। तो इन्हें खाने में एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ्राइड चीज़ें ना दें, घर की चपाती दें, जब डबल रोटी भी खाए तो टोस्टेड खाएं, बाज़ार की मैदे वाली रोटी ना खाएं, और घर की चपाती ज़्यादा प्रेफर, और बहुत ज़्यादा ये बिरयानी, हलीम, निहारी या ब्रोस वगैरह किस्म की चीज़ें, या फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए निस्बतन। बाकी ये है कि इनको ये मसला प्रोसेस कर रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन मौजूद है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, जो ये लेंगी तो इनके सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे, और कुछ थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी खा सकेंगी जो वैसे अवॉइड करनी चाहिए। सर, हम पेका सिंड्रोम पे ही बात कर रहे थे कि वो उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने का जो शौक होता है बच्चों को, जो है दो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताई थी, कुछ लोग हैं ये ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं जिनको बाल खाना या ये घास के टुकड़े, ये पत्ते और ये घास के जो पीसेस होते हैं, जी मिट्टी ये इस तरह के जो है, मुल्तानी मिट्टी तो खैर बहुत कॉमन है। हाँ, खवातीन में खून के खाते हैं। अच्छा, अब जी मगर अगर फ़र्ज़ करें कोई बच्चा ऐसा है जो कि मिट्टी खा रहा है, तो उसमें ये शायद इम्कान हो कि वो नेचुरली वहाँ पे जो ओवा और सिस किसी यू नो ऑर्गेनिज्म के अगर हैं, तो उसके साथ उसको राउंड वॉर्म या ये जो टेप वॉर्म या फिर जो थ्रेड वॉर्म्स हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस या एस्कैरिस लैम्ब्राइकोडिस, उसका इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी हो सकता है। नाक में जो नाक से आपने निकलने वाली एक बात की थी वॉर्म की, वो एस्कैरिस होता है, और वो उसका एक साइकिल होता है बाकायदा, जिसमें वो लंग्स की तरफ माइग्रेट करता है और उस सूरत में वो नाक के ज़रिए निकल सकता है। अच्छा, अब हम अगर हम नीचे आएँ थोड़ा सा, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करें, गैस्ट्राइटिस के बाद जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है। कोलेसिस्टाइटिस जी, जिसमें पित्ते में गॉल स्टोन्स एसोसिएटेड या बगैर गॉल स्टोन्स के इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आंतों की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, आजकल फ्लड आया हुआ है, आपको नाउ एंड देन आपको ये जो गेस्ट्रो की वबा आपको मिलती है, आप खबरों में पढ़ती हैं, वो बहुत कॉमन है। उसमें ई कोलाई भी हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी है, बच्चों में रोटा वायरस भी है, रोटा वायरस जी एग्जैक्टली exactly, और वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट के साथ डायरिया और डिसेंट्रीज की तरह है। विब्रियो कॉलरा जो है वो एक अनदर ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली, मगर इसमें जो बदकिस्मती जो है वो ये होती है कि अपार्ट फ्रॉम यू नो डायरिया, पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन जी एग्जैक्टली। अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसा पेशेंट है जो ई कोलाई की वजह से लूज मोशंस के साथ है, तो अगर वो बदीन में या कहीं दूर किसी ऐसी रिमोट एरिया में भी बैठा हुआ है, तो आप उसको ORS का कोई सोल्यूशन फ़ोन पे भी बता सकते हैं। मगर ये वो बदकिस्मत पेशेंट होते हैं कॉलरा वाले, जिनको सीवियर वॉमिटिंग होती है, आप ORS नहीं दे सकते, और ये पेशेंट हैं अगर उनको IV लाइन ना एस्टेब्लिश की जाए, तो अनफॉर्चुनेटली दे कैन डाई ऑफ रीनल फेलियर एंड मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अच्छा सर, ये तो थोड़ी कॉलरा की बात हुई, टाइफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करना। एक बात याद आई कि ORS आप घर में भी बना सकते हैं, सही। उसका आसान तरीका ये है कि एक चम्मच चीनी लें, चार चम्मच चीनी लें और एक चम्मच नमक का डालें एक लीटर पानी में, ठीक है, तो चार चम्मच चीनी के, और अगर ग्लूकोज है तो उसके ग्लूकोज के डालें, और एक चम्मच नमक का डालें और एक लीटर पानी में, और थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें। अच्छा। तो ये बिल्कुल आपका ORS है, जो कि आप घर में जो है दूध दराज, लीमू निचोड़ना भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, उसमें पोटेशियम वगैरह चला जाता है, वो फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है। कॉल अटेंड करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोस्तमन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? दोस्तमन बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरा बेटा है 20 साल का। 20 साल का बेटा, ठीक है। ये उसको बुखार आता है 2-2.5 महीने के बाद, 2 साल से ये चल रहा है।
अच्छा वो डॉक्टर के पास देते हैं मलेरिया वगैरह की टेबलेट्स वगैरह दे देते हैं, 2 महीने ठीक हो जाता है, फिर वो बीमार बुखार हो जाता है उसको, उससे मालूम करना था जी क्या है मसला। अच्छा इनका जो मसला है, एक हमारे यहाँ मलेरिया कुछ पूछना चाहेंगे सर आप लोग आज कुछ को? चलिए जी, हम आपको ऑन एयर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे यहाँ मलेरिया एक है, मलेरिया जिसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया कहते हैं, उसमें ये होता है कि जरासीम आपने मलेरिया की दवाई दी तो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन लीवर के अंदर रहते हैं, फिर 2-3 महीने के बाद जैसे ये बता रहे हैं वो फिर सामने निकल के आ जाते हैं, एकदम बढ़ जाते हैं, दोबारा शिवनिंग के अटैक होते हैं, दोबारा इवन आपका एमपी टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है, वो पॉजिटिव आ जाता है फिर से, फिर वो लेते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ख़ास एक दवाई होती है, इनको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि अगर वाकई मलेरिया इनको बार बार हो रहा है तो प्राइमा क्वीन एक दवा है, 2 हफ्ते का कोर्स होता है, वो कर लें तो वो लीवर में जो जरासीम रह जाते हैं और जो कि बार बार साइकिल में इनको 2-2, 3-3 महीने में हो रहे हैं तो साइकिल रिपीट नहीं होगा, तो लीवर के जरासीम ये जो मलेरिया की किस्म है वाइवेक्स मलेरिया उसमें ये हम देखते हैं, ये और ये हमारे इंटीरियर में काफ़ी कॉमन है, इस तरीके से पेशेंट आते रहते हैं। ओके अच्छा सर, थोड़ी सी टाइफाइड के बारे में बता दीजिए कि वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, टाइफाइड क्या है? ये टाइफाइड अगेन जरासीम है, सनोनेला टाइफी जरासीम का नाम है और ये भी आंतों की बीमारियों, जैसे आपका पानी साफ नहीं है, सीवेज का पानी मिला हुआ है आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ या फिर सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इसमें जरासीम चले जाते हैं जिस्म में और तकरीबन जरासीम जाने के तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद जो फिर इलामा जाहिर होती हैं, बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है, तो थोड़े बुखार से शुरू होता है फिर बुखार बढ़ता चला जाता है और फिर इसको सही तरीके से लुक आफ्टर ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी हो जाती हैं। अब उन कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉम्प्लिकेशन जो है डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर इम्तियाज़ बताएँगे आपको कि आंतों में परफोरेशन हो जाना, परफोरेशन हो जाता है, इलिया परफोरेशन है और वो फिर एमरजेंसी में वो जो है पेट फूलने के साथ ये 3रे हफ्ते में होती है आमतौर पर, जो बुखार नहीं बहुत ये सब इंटरिक इंटराइटिस बेसिकली ये अल्सर्स बन जाते हैं आंतों में, अल्सर्स बनते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर्स बन जाते हैं, साल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म है, पैराटाइफी ए और बी इसकी सब टाइप्स हैं, बेसिकली जो है ये आंतों में अल्सर्स बन जाते हैं और अल्सर्स जो हैं जब वो परफोरेट करते हैं थ्रू एंड थ्रू, अगर वो वॉल को परफोरेट कर दें तो दे कैन कॉज पेरिटोनाइटिस और एक सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन होता है पेशेंट को, वैसे इंटेरिक का पेन वैसे भी पेट में हो रहा होता है मगर जब एकदम सांस रुकना शुरू हो जाए और शदीद पेन दर्द में शुरू हो जाए, पेट में दर्द शुरू हो जाए और हाथ रखें तो आपको जो है वो पेट बहुत सख्त मालूम हो और हम जब स्टेथोस्कोप से सुने तो गट साउंड्स गायब हो जाएं, ये इंटरिक परफोरेशन है। 3रे हफ्ते में जब डिजीज़ जाहिर होती है तो 3रा हफ्ता जो है वो वीक ऑफ वीक ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है और उसमें ये इंटरिक परफोरेशन एक कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकती है और इसमें अगर इमीडिएट ऑपरेशन ना किया जाए तो मॉर्टेलिटी इज क्वाइट हाई। ओके तो ये कि पेशेंट को इतना डिले करना ही होना ही नहीं चाहिए, तो शुरू में आप इसका तरीका यही है कि जब आप के पास पेशेंट आता है और करेक्टरिस्टिक उसका सिम्टम्स होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बुखार बढ़े जा रहा है और दिन ब दिन ज़्यादा हो रही इंटेंसिटी, तो उनके ब्लड कल्चर लेके वो भिजवा के तो फिर हम अपनी क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं कि इनको एंटीबायोटिक शुरू करा दी जाए टाइफाइड के लिहाज से ताकि वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके बाद सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी GIT इन्फेक्शंस हैं जिन पर भी हम बात नहीं कर पाए, अपेंडिक्स पे तो हम पहुंचे ही नहीं और प्रज्ञान का वक्त है लिवर एब्सेस रह गया। लेकिन अपेंडिक्स एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम लोग और लिवर एब्सेस पूरा पूरा शो उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है ना क्योंकि बहुत डिटेल में बताने वाली बात होती है, अभी जो वक्त तो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे आप दोनों को थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, आप दोनों को हम बुलाते ही रहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे पास होगा ऑल पर लाइट का 5-पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का वेडनेसडे वर्कआउट, जिसमें हमारे साथ होंगी फरहान मिर्जा, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।